आप लोग सत्संग भजन सुन रहे थे और इसी प्रकार ये अभी जो भजन सुन रहे थे नाद साधना ने नादानुसंधान के विषय में एक भजन है और इसी प्रकार के भजन नादानुसंधान के ऊपर भजन आप लोग YouTube चैनल के द्वारा आप सभी को एक नाम YouTube चैनल का नाम दिया जाएगा, वितरण किया जाएगा और आप लोग अपने अपने घर में अपने अपने बाल बच्चे के द्वारा खोलेंगे और उसको सब्सक्राइब करेंगे। सबसे कोई लोग देख लेते हैं और छोड़ देते हैं, सब उसको सब्सक्राइब करना है और उसको लाइक भी कर देना है, हो सके तो अपने अपने फ्रेंड्स में मैसेंजर में या व्हाट्सएप में उसको शेयर कर देना, तो उसे क्या होगा, प्रचार होगा। तो प्रचार तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आप लोग ज्ञान का वितरण करें, ये जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम आप लोग वितरण मतलब यहाँ का जो ज्ञान है प्रवचन है वहाँ का वितरण कर दें, तो ये सत्संग तो अभी समाप्त हो जाएगा लेकिन इसका वितरण कर रहेंगे तो वहाँ भी से सत्संग सुनेंगे, तो ये भी ये धर्म काम है, इसीलिए इसको प्रसार कोई राजनीतिक तो बात नहीं है, कोई गलत बात तो नहीं है ना, गलत बात तो नहीं है, धर्म का काम है, धर्म में भी ज्ञान का ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, तो ये ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए अभी टेक्नोलॉजी की जमाना के अनुसार बहुत सुविधा मिला है लेकिन लोग सब उसको उपयोग नहीं कर पाते। इसके माध्यम से हम अभी जो भजन गाए हैं
तो बांसुरी वाला जो बजर ये सिखाते थे उसके क्लास में, तो ये गौर ऐसा हम उनसे मैंने सीखा। ये स्वरलिपि तो हम भी अपना कंपोज करते हैं, लेकिन इसका जो है इसमें दो ग का प्रयोग है, एक शुद्ध ग एक कोमल ग का प्रयोग है। तो ये सब बात तो आप लोग YouTube चैनल के द्वारा अभी भजन जो भी आप लोग गाएंगे, मान लीजिए हमारे जो भजन है और सब भी भजन, उसमें हम धीरे से इलेक्ट्रॉनिक तबला के द्वारा बजाए और वो भी YouTube में डाल दिए हैं। तो उसमें जैसे कोई भजन है हे नाद, हे राम के भजन है, हे राम के तर्ज में है ना, नाद गुरु माता पिता के तर्ज में है, मनिहारी के भेष में बनाए हैं, और से भजन है जो इलेक्ट्रॉनिक तबला के साथ कहरवा ताल में है। तो आप लोग जब ये YouTube चैनल खोलेंगे आप लोग को मिलेगा उसे, और सब भी भजन है प्रवचन है तो YouTube चैनल के द्वारा आप लोग को मिलेगा। तो ये अभी जो आप लोग ये लीलानंद दास जी के प्रोग्राम में ये उनके अंत्येष्टि समारोह के कार्यक्रम में जो अभी भजन सुन रहे थे, तो मैंने इसमें मुख्य संदेश देना ये चाहा हूँ। मुख्य संदेश जो सत्संगी मेरे प्यारा, दीक्षा निभाना, शिक्षा याद रखना, कहीं भूल न जाए। मुख्य पॉइंट है दीक्षा याद रखना ना, शिक्षा याद रखना, दीक्षा निभाना। और कोई दीक्षा ले लेते हैं निभाते नहीं, क्योंकि शिक्षा याद नहीं रहता। ये शिक्षा और दीक्षा दोनों को याद रखना जरूरी है। और हम चाहते हैं जितनी भी महिला लोग हैं, पुरुष लोग को तो मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि वो देशी परदेशी हैं, देश विदेश जाते हैं, उनको नियम रहे नहीं, लेकिन महिला माताएं लोग अपने हाथ से भोजन बनाती हैं। जो अपने हाथ से भोजन बनाती है तो समझिए हम यज्ञ कर रहे हैं, और उस भोजन को जो साधु को, एक साधु को जो कोई हाथ भोजन बना के खिलाती है वो यज्ञ के बराबर है। तो आप लोग इस बात को मत भूलिएगा, मैं दूसरे वीडियो में आप लोग के प्रवचन के रूप में बोलूँगा। अभी का वीडियो अभी शांत करते हैं।